स्पाइडरमैन, इंडिया का पहला स्पाइडरमैन। ये चमत्कारी चिड़िया आपके बारे में सब कुछ बता देगी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई है और हम अयोध्या जा रहे हैं। बच्चे चाहे घर पर रहें या कहीं बाहर रहें, अपना ये खेलना चालू कर देते हैं। चलो बेटा पोएम सुनाओ। बेटा लड़ाई मत करो, दोनों का नंबर आएगा। अभी हम पहुंच गए हैं अयोध्या। इसका नाम है शिवा और ये अभी 2 साल का है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ है। जय श्री राम। ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोग राम मंदिर की तरफ जाएंगे। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। शिवू ऑटो चलाओगे? ये तो ऑटो में बैठ गया, ये तो अपनी साइकिल समझ रहा है। अब हम सबसे पहले होटल जाएंगे। हम लोग होटल पहुंच गए हैं और ये बच्चे आते ही खेलना शुरू कर दिए। ये देखिए स्पाइडरमैन। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये छोटा सा बच्चा है। ये है इंडियन स्पाइडरमैन, छोटा स्पाइडरमैन। खतरनाक है। गाड़ी आ गई है, अब चलेंगे राम मंदिर। जय श्री राम। ये है श्री राम जन्मभूमि, यहीं पर श्री राम जी का नया मंदिर बन रहा है। बोलो जय श्री राम। यहाँ पर हमें एक चिड़िया मिली है जो आपके बारे में सब कुछ बता देगी। अच्छा बोल के? अच्छा मतलब बोलेगा नहीं? यहाँ पर जो पंडित जी हैं ये बता रहे हैं कि ये चिड़िया आपके भविष्य के बारे में बताएगी। पंडित जी कुछ कार्ड निकालेंगे और ये चिड़िया आपके बारे में सब कुछ बता देगी। अब देखते हैं कि पंडित जी कितना सच बोल रहे हैं, हमारा भविष्य बता पाएगी या नहीं। चलिए। और ये मिट्ठू राजा तोता, ये भी आपके बारे में बताएंगे और ये बोलने वाला तोता है। अब पंडित जी बोलते हैं कि कुछ बोलें, हमें कुछ बोल के सुनाएं। अभी तो इसको भूख लग रही है, खाना खा रहा है। पंडित जी सिर्फ 11 रुपये लेते हैं और ये चिड़िया कुछ कार्ड निकालेगी। देखते हैं कि ये क्या कर रही है। भाग्य बताएंगे। नीलम जी का देखो भाई, नीलम जी के नाम कुछ 4 मन में रख लीजिए। अब तो पा गए अपने मतलब का पाची नीलम जी के नाम। अच्छा ये भाग्य बताते हैं चिड़िया। अरे नहीं पाएगा आपका तब निकाल। नीलम वृश्चिक राशि आप ये नहीं, फिर से देखो श्याम और दूसरा तो नहीं कोई दूसरा। अरे तो वही है कि दूसरा कोई तो नहीं है और। अच्छा भाग्य बताएगा ये आपका भाग्य है। पीछे देखो दोस्तों, आपके घर में छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं, ब्लॉग में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।